हाँ जी, ब्लड रिलेशन, द ब्लड रिलेशन ध्यान से देखना आप लोग। इसमें ना कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, लेकिन आजकल करंट सिनेरियो में ना जो चल रहा है वो बोर्ड मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो पहले तो उसी को कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। देखो ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको खुद को रख के देखना हमेशा, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ, ठीक है ना। अब ये जो ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पति का मतलब तो समझते ही हो गए है ना, भाई का मतलब समझते हो गए, माँ का मतलब समझते हो गए ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आधे वर्ड आएंगे टिपिकली जो शायद ना समझ में, बाकी तो मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सुनो, आपको ना क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लोग सीधे सॉल्यूशन करना है आपको। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, लिखते रहना। और क्यों लिखना भी क्या है, आप सीधे सीधे लिखना भी क्या है, आप सीधे सीधे ना बॉटल कहाँ गई, दे देना बॉटल, ये दी। ध्यान सुनो आप लोग, आप सीधे सीधे इसको समझो और घर पे जाके इसके 100-200 क्वेश्चन लगा लो, ताकि आगे की भविष्य की दिक्कतें आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। अब पहला सवाल हम लोगों का कह रहा है, देखो ये आपको लेक्चर दे रखा है उन्होंने ऊपर, ठीक है, क्या लेक्चर दे रखा है, कह रहे हैं क्या कि कह रहे हैं क्या कि एट द रेट का जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, एल के का पति है, एल पति है किसका, यानी ये पति है और आगे वाला पत्नी होगी, ऑब्वियसली बात है ना। एंड का मतलब क्या होता है, के एल की माता है, यानी आगे वाली कौन है, माता। आप समझो जिस तरफ बोला हुआ उसी तरफ को आपको ड्रॉ करना है। इसने बोला हैज का मतलब क्या, आपका के और एल के बीच में हैज का मतलब के एल का पुत्र, यानी आगे वाला पुत्र, तो ये पिता या माता हो सकता है ना। अब हमसे पूछा हुआ ये सवाल, ए एट द रेट ए एंड बी एट द रेट सी हैज डी और एट द रेट ई, तो हमें बताना बी और डी का क्या रिलेशन है, बी का और डी का क्या रिलेशन है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना है। ए लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा है, बी लिखा है, एट द रेट सी लिखा है, हैश लिखा है, डी लिखा है और एट द रेट ई लिखा है। अब देखो आप इसको राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो वैसे, लेकिन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें देखो आप लोग, एट द रेट का सिंबल कहाँ है भाई, पहला वाला से क्या कह रहा है, एल के का पति है, यानी पति कौन है, ये वाला पीछे वाला है, यानी ई जो है वो पति है, तो यानी ये मेल हो गया, और ये कौन होगी, डी कौन होगी, फीमेल हो गई है ना, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये सेम जनरेशन के लोग हैं, चाचा चाची हस्बैंड वाइफ है ना, ये सब सेम के हैं, पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी ये सब एक जनरेशन के, और भाई बहन जो है वो चाहे वो चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो, वो एक जनरेशन का, और बेटा बेटी जो है वो भतीजा भतीजा वो नीचे वाले जनरेशन के, ठीक है ना। तो जनरेशन का ध्यान रखना, अगर मैं इसके पिता की बात करूंगा तो मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा। आगे क्या कहना चाह रहा है फिर, अब देखो इन दोनों का तो हो गया ना, अब इन दोनों का देखो आप लोग, इनके बीच में हैश का सिंबल है, और हैश में क्या कह रहा है, के एल का पुत्र, यानी आगे वाला पुत्र है, यानी डी का पुत्र कौन है, सी। तो जाहिर सी बात है जब डी का पुत्र सी है, तो पुत्र होगा तो नीचे की तरफ बनेगा, और पुत्र है यानी कि लड़का, लड़का होगा तो प्लस का सिंबल लगा देना, लड़की होगी तो माइनस का सिंबल लगा देना आप लोग, ठीक है समझने के लिए। दूसरी बात ये, जब इसका पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र होगा ना, दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, फिर अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इन दोनों को देखो आप लोग, बी और सी के बीच में एट द रेट का सिंबल है, और एट द रेट क्या कह रहा है, एल के का पति, यानी इसका पति आगे वाला कौन है, ये वाला पति है ना, तो सी पति है किसका, बी का, तो सी पति है किसका, बी का, यानी बी उसकी क्या है, पत्नी है, ठीक है ना, ये एक ही माँ बाप की संतान है, और ये इसकी क्या है, वाइफ है। अब उसने कहा है बी का डी से क्या रिलेशन है, बी का रिलेशन डी से पूछा गया, तो बी का क्या लगेगा, डी सास लगेगी, क्योंकि उसके बेटे की क्या है, ये मदर है, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या पुत्र पुत्र वधु लग जाएगी, है ना, पुत्र वधु होता ना, ठीक है, पुत्र वधु को क्या कहेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें एक और सिंबल एंड का दे रखा है गाइस, यानी इसकी माता है बी की माता, देखो के एल की माता, के जो एल की माता, यानी बी की माता कौन है, ए। तो अगर इसकी ये माता है तो ये के इसके घर की थोड़ी है, तो दूसरे घर से आई थी, और जब ये इसकी माता है तो जाहिर सी बात है एक जनरेशन क्या होगी, ऊपर बन जाएगी, है ना, इन दोनों इनके जनरेशन इसके सास ससुर के जनरेशन के इक्वल है ना, बी की माता कौन, हाँ तो बी की तो माता है, ठीक है ना, और बी क्या लड़की है ना, तो उसकी माता तो दूसरे घर में रहेगी, है ना, तो घर चेंज करने के लिए मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा इसका, हाँ बहू कह लो, पुत्र वधू कह लो, ठीक है ना। अगर देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग,
देखो मान के चलो ए पिता है और बी पुत्र है गाइज, ए पिता बी पुत्र है, तो ए का बी से क्या रिलेशन है, ये इसका फादर है, और बी का ए से क्या रिलेशन है, ये इसका सन है। तो डिपेंड करता किससे पूछा हुआ है, अगर पूछा ना डी का बी से क्या रिलेशन है तो ये इसकी सास है फिर, है ना, और अगर बी का डी से पूछा तो फिर वो पुत्रवधु या बहू या जो भी कह लो आप, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा किसका किस तरफ से पूछा हुआ है। अगला एक आप लोग ट्राई करो, देखो होता है नहीं होता। ओहो ज्यादा उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं ट्राई करो, छोटा सा तो सवाल है, सबको दिखाई दे रहा है ना। क्या इसका सेकंड, बाकी लोग ट्राई करो भाई। बाकियों में किसी का नहीं आ रहा, आओ चलो देखो सुनो, देखो कोई बात नहीं ध्यान से देखना आप लोग। मान लो मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूं एक मिनट के लिए, ठीक है, तो क्या करें, किस रिलेशन में आपको बताना है कि ए बी का क्या होगा, पुत्र होगा, ए जो है वो बी का पुत्र होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, वैसे तो इसका आंसर देखते ही पता चल रहा है लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। देखो गुणा का क्या मतलब है, गुणा का मतलब होता है जेड क्यू का पिता है, यानी आगे वाला क्या है, पिता है, यानी ए पिता है किसका, आई का पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर प्लस का क्या मतलब है, जेड क्यू का भाई है तो इसका भाई हो जाएगा, यानी ए का भाई कौन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है ए बी का क्या होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, ये तो भाई बन रहा है। अच्छा पुत्र बनने के लिए जनरेशन गैप होना जरूरी है, एक जनरेशन नीचे और एक जनरेशन ऊपर, और यहाँ पर जनरेशन गैप दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वो बी, देखो ये ए जो है वो बी का पुत्र बने, तो बी या तो पिता बने या फिर क्या बने, माता बने, है ना, तभी तो पॉसिबल है ना, भाई बनने में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां कहीं भी ए और बी के बीच में रिलेशन है किसका, प्लस का, वो पॉसिबल ही नहीं है, डिवाइड हमें दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इस वाले को देख लेते हैं, आई का डिवाइड का क्या मतलब है, जेड क्यू की माता यानी आगे वाली माता, यानी आई की माता कौन है, आई की माता ए है, माता है, तो जब ये माता है तो ऑब्वियसली बात है ये फीमेल है, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें तो पुत्र बनाना है ना। अब ये वाला देखो रिलेशन, नेक्स्ट प्लस का मतलब हो गया ये इसका भाई हो गया, आई का भाई कौन हो गया, आई का भाई हो गया ए, और गुणा, गुणा का क्या मतलब है, आगे वाला पिता हो गया, यानी कि बी का, ए का पिता कौन हो गया, तो जब ए का पिता बी हो गया, यानी कि ए जो है बी का क्या है, पुत्र है, यानी क्या है, ऑप्शन पॉसिबल है हमारा, डी ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ये मेन चीज लिखो आप लोग, और बाकी आप देख देख के ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
कर जाना है, जाओ सर। हाँ जी, एफ का पी से रिलेशन बताना है आपको, एफ का पी से रिलेशन बताना है। करें ट्राई एक बार, देखो ध्यान से सुनना, बाकी सबको भूल जाओ। एक तो राइट साइड से अटेम्प्ट करो आप लोग, और एक बार में बस दो लोगों को देखो और बाकियों को देखो ही मत। तो P और N के बीच में एट द रेट का सिंबल, और एट द रेट का क्या मतलब है, A B की पुत्री है, यानी आगे वाली पुत्री है, है ना, यानी P पुत्री है किसकी, N की। तो N की पुत्री कौन हो गई, P हो गई। अब पुत्री है तो ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। आगे कह रहा है अब देखो, P और N का डिसाइड कर लिया आपने, अब भूल जाओ। अब देखो Q और P का, तो देखो Q और P के बीच एट द एंड का सिंबल है गाइस, पति है, तो P का पति है कौन, आगे वाला पति है ना, देखो आगे वाले को पति बना दिया उन्होंने। आप जब देखो, जब कभी भी सिंबल लगेगा ना, तो यहाँ पे देखो किसको बनाना है, वो यहाँ पे A को पति बना रहा है, मान के चलो अगर यूं कहते ना B A का पति है, तो उल्टा हो जाता सवाल फिर, है ना। तो फिलहाल आगे वाला पति है, यानी ऑब्वियस बात है P क्या है फिर, P ये सॉरी एक मिनट, A B की पुत्री है, आगे वाली पुत्री है, तो P पुत्री होगी, और इसका पति कौन है, Q है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, अगर ये इसका पति है, इसका हस्बैंड कौन है, क्यू है ना, तो ये इसकी वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसका मतलब जो ये जो इसके पेरेंट थे, मतलब मदर या फादर जो भी, कौन, एन है ना, इसको हम थोड़ा सा साइड वाले घर में बनाते हैं, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है अब, है ना, पैरेलल में रखता ताकि हमें समझ में आ जाए। आगे देखो आप लोग, अब देखो एफ और क्यू के बीच में हैश का सिंबल, और हैश का क्या मतलब है, ए बी का भाई है, यानी कि दोनों आगे वाला भाई है, तो क्यू का भाई कौन है, F है, तो Q का भाई F हो गया, तो ये ऑलरेडी भाई है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं परसेंटेज। अब देखो हमें F और P के बीच में रिलेशन बताना है एक्चुअली, तो काम तो हमारा हो जाएगा, पति का भाई है ना, F क्या है, P से रिलेटेड, पति उसके पति का भाई है, है ना। बाकी अगर आगे चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। देखो परसेंटेज का क्या मतलब है, ए बी की पत्नी, यानी आगे वाली क्या पत्नी है, तो एफ की पत्नी कौन है, एम, एफ की पत्नी हो गई एम, ये सारे पैरलर हैं एक ही जनरेशन के। एट द रेट का क्या मतलब हो गया, पुत्री, तो एल पुत्री है किसकी, इन दोनों की पुत्री कौन है, एल, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी वो पूछे, मान के चलो आपसे पूछता है क्यू और एल का क्या रिलेशन है ना, तो या तो इसके चाचा लगेंगे या इसके बड़े पापा लगेंगे, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों भाई तो हैं, लेकिन ये नहीं पता इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है, तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ जाएं, चलो एक और ट्राई करते हैं, कोशिश करो आप लोग अटेम्प्ट करने की, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। एक बार में मात्र दो ही लोगों को आप लोग देखो, दो ही लोगों को सॉल्व करो। देखो पी का यू से रिलेशन बोला, यानी आपको सारा का सारा ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्कुल एंड में बैठा हुआ है वो। आओ चलो देखो भाई, सबको भूल जाओ आप लोग, सबसे पहले सॉल्व करो किसको, सबसे पहले आपको सॉल्व करना किसका, टी और यू को सॉल्व करना है ना। तो टी और यू को अगर आप सॉल्व करोगे, तो टी और यू के बीच में किसका सिंबल है, हैश का, और हैश का क्या मतलब है, ए बी का भाई, यानी कि आगे वाला भाई है, तो यू का भाई कौन हो जाएगा, यू का भाई हो जाएगा कौन, टी हो जाएगा ना, टी भाई है। अब देखो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसका, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखो इनके बीच में एस और टी के बीच में एट द रेट का सिंबल है, और इसका ए बी का पिता है, यानी आगे वाला पिता है, यानी टी का पिता कौन है, एस, तो टी का पिता अगर एस है तो दोनों का ही पिता होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट देखो आप लोग, परसेंटेज का सिंबल है आर के बीच में, और वो क्या चीज है हमारा, आगे वाली पत्नी, यानी आर पत्नी है किसकी, ऑब्वियस सी बात है, जब ये पिता ही है तो जाहिर सी बात है पत्नी होगी, ठीक है ना, तो ये पत्नी हो गई। आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
क्यू और आर के बीच में किसका सिंबल है, हैश का सिंबल है, भाई है, तो आर का भाई कौन है, क्यू। अब देखो जब आर का भाई क्यू है तो ये तो जाहिर सी बात है साइड वाले घर में चला जाएगा मैटर, और फिर एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है उसकी माता है, तो क्यू की माता कौन है, पी। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, पी का यू से क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखना यू की मदर है ना, आपकी माता की माता कौन लगेंगी, आपकी नानी लगेंगी, है ना, तो नानी का रिलेशन है और क्या। अगर मान के चलो देखो पी का यू से रिलेशन पूछा इसलिए यू नाली नाली लगे, अगर मान लो यू का पी से पूछा तो आप अपने नाली की नानी के क्या लगोगे, नाती, नाती ना, पोता तो दादा के लगे हुए, चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग। बोलो नहीं प्लीज, अपना अपना करो। आओ चलो करें, ध्यान देना आप लोग एक बार, सबसे पहले Z और उसके बीच में देख लो आप लोग, Z और X के बीच में किसका रिलेशन है, एंड का, एंड लिखा हुआ है तो एंड का क्या मतलब है वो देखो आप लोग, एंड का क्या मतलब है, ए बी की पत्नी यानी आगे वाली को क्या बना दिया, पत्नी, तो Z X की पत्नी कौन हो गया, Z पत्नी होगी तो ऑब्वियसली बात है ये कौन होगा, पति होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा पी और क्यू और जेड के बीच में परसेंटेज का सिंबल है ना, आगे वाली पुत्री यानी क्यू पुत्री है किसकी, जेड की, क्यू की पुत्री है ये, पुत्री यानी कि माइनस, और इन दोनों की होगी ऑब्वियस सी बात है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, इनके बीच में एट द रेट का सिंबल है, तो एट द रेट का क्या मतलब, ए बी का भाई यानी आगे वाला भाई है, तो क्यू का भाई कौन है, पी, क्यू का भाई है पी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हो गया शायद हमारा, है ना, पी का एक्स से क्या रिलेशन है, वैसे एक और है लेकिन हमारा तो काम वैसे हो चुका है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो आप लोग, हैश का क्या मतलब है, उसकी सिस्टर है, आगे वाली सिस्टर है, तो पी की सिस्टर कौन है, आर। उसने पूछा है एक्स, पी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका क्या लगेगा, ये तीनों इसके पुत्र पुत्रियां हैं ना, बच्चे हैं इसके, तो उसका पुत्र लगेगा ये, जेई का सवाल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट ट्राई करो।
छोटा सा सवाल है, इसको ट्राई कीजिए। करें भाई, सबसे पहले हमसे पूछा किसके बीच में, जी और एच के बीच में पूछा हुआ है, तो जी और एच के बीच में प्लस का सिंबल है और उसका मतलब है कि आगे वाली जो उसकी वो मदर है, है ना। तो एच की मदर कौन है, एच की मदर है जी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसके बाद जी और किसके बीच में, एफ के बीच में माइनस का सिंबल है, बातें नहीं करो भाई। तो आर एस का पति है, आर जो है वो पति है एस का, तो ऑब्वियसली होता है जी का पति कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात कर रहा है वो, इनके ई और एफ के बीच में डॉलर का सिंबल है, दैट इज आर एस की पुत्री है, यानी एफ की पुत्री कौन है, ई है, ये इसकी पुत्री है, ठीक है। अच्छा, इसका जेंडर तो डिफाइन नहीं था, ये पुत्र है या पुत्री हमें नहीं पता। अब उसने पूछा ई का एच से क्या रिलेशन है, ई का एच से क्या रिलेशन है, ये ई है ना, ई का एच से क्या रिलेशन है, तो ई इसकी क्या लगेगी, बहन। लेकिन पूछो एच का ई से क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, समझ रहे। ये मतलब ना उसका भाई है या बहन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन, अगर लड़का है तो भाई है, लड़की है तो अगर अगर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है ना। या तो ये ऑप्शन होगा या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं कोई भी फिलहाल ई का पूछा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिस्टर हो जाएगा। ये बड़ा ही ना यूनि, हाँ जी बोलो, ये जेई का एग्जाम है सर, जूनियर इंजीनियर, एसएससी में सिर्फ सीजीएल सीएचएसएल नहीं होता, इंजीनियरिंग के भी एग्जाम होते हैं, तो सेम ही होता है, नहीं सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री वाले बीटेक, है ना, बीटेक वो भी सिविल में, बीटेक यानी बिल्डिंग विल्डिंग बनाने वाला, ठीक है ना। जैसे बीटेक तो कई होता है ना, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब के, वो नहीं, वो सिर्फ सिविल वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, लेकिन पेपर वही रहता है, लेकिन आप फॉर्म नहीं भर सकते इसका। कॉम्पिटिशन एसएससी के मुकाबले अदर एग्जाम के कम होता है, क्योंकि आपने बारहवीं के बाद वो स्ट्रीम नहीं ली, तो अब वो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हो आप। लेकिन इनका अपना खुद का एक सब्जेक्ट का भी होता है, ऐसा नहीं कि खाली यही आता है इसमें मैथ्स वैथ्स, उनका अपना सिविल का सब्जेक्ट भी आता है इसमें। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये देखिए, इसको ट्राई करो। चलिए आइए देखिए, सुनिए, बातें नहीं करो प्लीज। देखो सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है किसका, एफ और एम का, इनके बीच में स्टार का, ये मल्टीप्लाई मान लो इसको, कुछ भी मान लो, उसका सिंबल है भाई, बात है नहीं। ओ पी की माता है तो आगे वाली मदर है, तो एम की मदर कौन हो गई, एफ हो गई, ठीक है ना, इसकी मदर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। प्लस का सिंबल है गाइस, किसके बीच में, ई और एफ के बीच में, ओ पी का पति आगे वाला पति है, एफ का पति कौन हो गया, ई हो गया, तो एफ का पति हो गया ई। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट है एट द रेट ओ पी की बहन है, आगे वाली सिस्टर होगी किसकी, तो ई की बहन कौन होगी, एच हो गई, तो ई की बहन, जब इतने सीनियर लोगों की सिस्टर होगी तो जाहिर सी बात है वो मैरिड होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। वैसे नहीं भी होगी तो भी चलो पैरेलल में रख दो बगल वाले घर में, बाकी देखते हैं, एच है ये, ठीक है ना, एच है ये। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, परसेंटेज का सिंबल है जी और एच के बीच में, क्या मतलब होता है, ओ पी का पति पिता है, आगे वाला पिता है, तो एच का पिता कौन है, जी, तो एच का अगर पिता है तो जी, तो जी तो इसका भी पिता हुआ, है ना, दोनों का ही पिता हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, बराबर का सिंबल क्या कहता है, ओ पी का पुत्र है, यानी आगे वाला पुत्र है, तो जी का पुत्र कौन है, एस, जी का पुत्र कौन है, एस, पुत्र है यानी कि लड़का है, है ना। अब हमसे पूछा हुआ एस का एम से क्या रिलेशन है, तो देखो इसके भाई का लड़का है ना, चाचा लगेगा उसका ये, है ना, एस का एम से क्या रिलेशन है, ये इसका लगेगा चाचा और ये इसका लगेगा भतीजा, है ना, तो फिलहाल चाचा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसको इसी में रखो या अगर साइड में रख दो, मैंने साइड में इसे रखा बैकअप के तौर पे, कि मान लो फिर बोले कि एच का हस्बैंड है कोई, तो फिर हम साइड में बना लेंगे आराम से, है ना।
कोशिश करो कि आंसर आए, ठीक है। इनमें कोई फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसे अटेम्प्ट करना होता है इनको। इसको ट्राई कीजिए, करें ट्राई। आओ देखो सुनो क्या आ रहा है वैसे, सी यार। आओ देखो सुनो, देखो सुनो, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। पहले कह रहा है n माइनस ओ, तो यानी ए बी का भाई है, यानी क्या हो जाएगा ये बेसिकली आगे वाला भाई हो जाएगा ना। तो ओ का भाई कौन हो गया, n हो गया, ये भाई हो गया, लेकिन ये भाई है बहन हमें पता नहीं है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आप लोग, प्लस का सिंबल है m और n के बीच में, तो इसका मतलब ए बी की मदर है, यानी m मदर है किसकी, ए की, तो जाहिर सी बात है इसकी भी क्या है, वो मदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बात है नहीं भाई, डिवाइडेड बाई एम, तो डिवाइड मतलब ए बी का पिता है, यानी आगे वाला पिता, यानी एम का पिता कौन है, एल है। देखो तो जब एम का पिता एल है तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल है, तो उसका पिता पैरेलल जनरेशन में ऊपर होगा, थोड़ा सा एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा पिता है तो, है ना। तो पिता है तो प्लस कर लो आप लोग, है ना। और आगे नेक्स्ट कह रहा है गुणा, गुणा का क्या मतलब है, गुणा का मतलब है उसकी पत्नी है, तो के पत्नी है उसकी, है ना, तो ये इसकी पत्नी होगी के। अब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, ये पूछा हमसे के का एन से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसकी मदर की मदर है, है ना, ठीक है, मदर की मदर है इसके। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, दोबारा देख लो। देखो फैमिली ट्री क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। अगला सही हो जाना चाहिए, मैं तो दो बार और बता दूंगा, सवाल सही होने चाहिए। ध्यान से सुनना भाई, कह रहा है क्या, आपको जब भी सवाल ये आए आपको हमेशा एक बार में सिर्फ दो लोगों पे फोकस करना है, है ना, और उनके बीच का सिंबल देखना, और यहाँ पे देखना क्या बोला है। जैसे माइनस का सिंबल है तो आगे वाला क्या, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए आपको, है ना। इसका मतलब हो गया ए बी का भाई, यानी आगे वाले को भाई बना दिया, पीछे वाला भाई भी हो सकता है बहन भी, हमें नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे ओ का भाई कौन है, ओ का भाई है एन, ओ का भाई है एन। आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं, अब देखो एन के बीच में और इसके बीच में सिंबल, देखो एम और एन के बीच में प्लस का सिंबल है, मतलब उसकी मदर है ये, क्या ये ए जो है बी की माँ है, यानी आगे वाले की मदर बने, एन की मदर कौन है, एम है इसकी मदर, ठीक है ना, एम इसकी मदर, तो जाहिर सी बात है इसकी भी मदर ही होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिवाइड का सिंबल है, पिता है, तो एम का पिता कौन है, एल है। अब एम मदर है तो इसका पिता जो होगा गाइस इसके सेम पैरेलल जनरेशन में ऊपर चला जाएगा, तो इसका पिता हो गया ये एम का, ठीक है। और आगे देखोगे तो के और एल के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी कि ये इसकी पत्नी है, आगे वाली पत्नी है, तो इसकी पत्नी हो गई ये, तो इसकी वाइफ होगी बेसिकली। अब एन का के से रिलेशन पूछा है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, ऐसे जाओ जाओ आप, ये इसकी मदर है और ये इसकी मदर है, है ना, तो मदर की मदर हो गई है नानी, ठीक है। हाँ 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 सुनो, देखो भाई बिल्कुल सही बात है, के का एन से क्या संबंध है, ठीक है। एन थोड़ी इसकी मदर की मदर है, एन खुद एन की मदर के है, के को आगे रखा है, तो के लिए कहा जाएगा कि उसकी बेटी का बेटा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं, इसलिए हमने उल्टा चल गए, ठीक है ना। अगर मान लो दोनों ऑप्शन में हो जाते तो फिर हमें वो चूज करना पड़ता जो बेटी का बेटा है, क्योंकि आगे कौन लिखा उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ट्राई करो आप लोग एक और। सी आर है, आओ देखो सुनो, एन प्लस ई लिखा हुआ गाइस, और प्लस का मतलब क्या है, ए भाई बातें नहीं करो, ए बी की पत्नी है,
है ना, आगे वाली पत्नी है किसकी, ई की, तो ई की पत्नी कौन हो जाएगा, ई की पत्नी हो जाएगी एन, पत्नी यानी कि माइनस और पति यानी कि प्लस हो गया, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखो क्या करा, डिवाइड, ए बी का पिता है यानी आगे वाला पिता है, यानी कि एन का पिता कौन है, एन का पिता है वी, तो देखो एन का पिता है वी, तो एक जनरेशन ऊपर बना लेते हैं और साइड वाले घर में ले जाते हैं इसको। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई का सिंबल है बिटवीन वी एंड वी, उसकी सिस्टर है ये, ए जो है बी की सिस्टर, तो बी की बहन कौन है, वी है। अब देखो अगर ये इसकी सिस्टर है ना, तो वो भी साइड वाले घर में बनाओ, है ना भाई, क्योंकि सिस्टर जब इतने सीनियर लोग हैं तो ऑब्वियस बात है सिस्टर भी हम मान के चलते हैं बैकअप के लिए कि मैरिड ही होगी, नहीं तो नहीं भी होगी तो हमें एक लाइन हटाने में कितना टाइम लगेगा। आगे नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पी माइनस में बी यानी कि उसका भाई है, ठीक है, पी क्या है उसका भाई है, तो चलो कोई बात नहीं सेम ही रख लो आप लोग, पी को भी यही रख लो आप लोग, पी उसका भाई हो गया, ठीक है, यानी तीनों भाई बहन हो गए। अब कह रहा है पी का एन से क्या रिलेशन है, पी का एन से क्या रिलेशन है, तो इसकी क्या लगेगी ये, हाँ पिता का है ना भाई, देखो पी का एन से पूछा कायदे से तो भाई का, भाई की बेटी लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, एन के हिसाब से बता दिया उन्होंने, एन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पिता का या चाचा भी तो कह सकते थे इनडायरेक्टली, है ना, ठीक है। एक और करो, लास्ट क्वेश्चन है शायद इस टाइप का, फिर न्यू टाइप पे चलेंगे हम लोग। करें ध्यान से देखना आप लोग, ये क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट है, इसके बाद न्यू टाइप करेंगे हम लोग। क्या कहना चाह रहा है, कह रहे टी प्लस एस का मतलब है गाइज ए बी का बेटा यानी आगे वाला बेटा है, तो एस का बेटा कौन हो गया, एस का बेटा हो गया टी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या, इसमें नेक्स्ट कह रहा है माइनस का सिंबल है इनके बीच में, माइनस का होता है ए बी की बहन है यानी आगे वाली सिस्टर है, तो टी की बहन कौन होगी, टी की बहन होगी आर, ठीक है, और ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग और क्या कह रहा है सिंबल, क्यू और आर के बीच में डिवाइड का सिंबल है गाइस, क्यू और आर ए बी का भाई यानी क्यू भाई है आर का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, गुणा ए बी की मदर है यानी क्यू की मदर कौन है, पी, तो ऑब्वियस बात है जब ये मदर है तो हस्बैंड वाइफ हो गए, है ना, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके तीनों बच्चे हो गए। अब आगे पी का एस से क्या रिलेशन है, पी का फिर इस पी, अच्छा ये पी था ना, ये पी था, अच्छा ऊपर वाला पी था, पी का एस से क्या रिलेशन है, तो उसकी पत्नी है, है ना, पी का एस से रिलेशन तो पत्नी आएगा ना, वाइफ, तुमने क्या टिक किया था, मदर, फिर हो गया, अच्छा फोन आ गया, जा सकते हो, ठीक है आगे बढ़े, चलो बहुत सारे सिंबल्स यूज किए उन लोगों ने,
डी आर है आओ करें क्या या कर रहे हो, कर रहे हो या करें? फुफेरा भाई, फूफा का भाई नहीं, फूफा का लड़का जो होगा वो आपको भाई होगा ना? नहीं है हमारे पास। तो आप एक बताओ, अपने बुआ के लड़कों को आप क्या बोलते हो? ओए अरे भाई देखो, वैसे तो अब वो ये सब बोलते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा ना वो चीजें। आओ चलो देखो, कोई बात नहीं। बराबर का सिंबल है, क्या कह रहा है आपका? बराबर के सिंबल में एम एन का पिता है, यानी आगे वाला पिता हो, यानी सी का पिता कौन हो गया? सॉरी, बी का पिता कौन हो गया? सी। एट द रेट एम एन का भाई है, एम एन का भाई है यानी कि आगे वाला भाई है, यानी कि सी का भाई कौन है? पी है। नेक्स्ट के एट द रेट पी, सॉरी एंड पी उसकी सिस्टर हो गई, तो पी की सिस्टर कौन हो गई? के हो गई। चलो इसको साइड में रख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बराबर का सिंबल और एल है, तो बराबर का मतलब है पिता है, तो के का पिता कौन हो गया? एल। तो इन तीनों का ही पिता हो गया। आगे नेक्स्ट हैज का सिंबल पत्नी भांजा है ना, तो ए का भांजा ए है, एल का भांजा, एल का भांजा एल। देखो भांजा कौन? उसके भाई का, उसके भाई का लड़का होगा ना, तभी तो भांजा होगा। अच्छा बहन का लड़का भी तो भांजा हो सकता है, राइट? ठीक है, तो इसके साथ बना लेते हैं ना। अब आगे क्या कहना चाहिए? ए का सी से क्या रिलेशन है? ए का और ए कहाँ था, ये है ना, ए का सी से क्या रिलेशन है? तो जाहिर सी बात है ये इसके पिता की सिस्टर है ना, आपके, अब खुद को रखो, आपके पिता की सिस्टर का लड़का है ना, बुआ का लड़का बोलते हैं, यहाँ पे फूफा का लड़का है फिलहाल तो, है ना, इससे उसको फुफेरा भाई कहते हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा इसका? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ना, ये दोनों ए का सी से क्या रिलेशन है? ओके ओके ओके, तो एक मिनट, ए का सी से क्या रिलेशन है? देखो ये ना, ये तो इसका मामा लगेगा, अगर देखा, अगर यहाँ पे रखोगे आप लोग तो ये इसका मामा लगेगा, क्योंकि इसकी मदर का भाई है ये, है ना, यानी कि अब वो मामा तो ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, ठीक है ना, तो हम एक काम कर रहे थे, हम इसका भाई बना लेते हैं और उसको ए को यहाँ रख लेते हैं, है ना, तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा? वो कजन भांजा बोला ना ना, तो अच्छा ठीक है चलो मान ले इसकी कोई सिस्टर रही होगी, है ना, और उसका बेटा रहा होगा ए। हाँ ठीक है, ऐसे ये बनेगा डायग्राम भाई ऐसा। देखो इसने जो लास्ट में बोला ना, ये जो है का सिंबल है, कह रहा है एम एन का भांजा नहीं, आगे वाला भांजा, भांजा कौन होता है? है ना, सिस्टर का जो लगाया होता ना वो होता, तो इसकी सिस्टर रही होगी कोई, हमें नहीं पता। ये जो के है सिस्टर, वो तो सी के है ना पैरेलल, वो तो इसका एल से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो ये एक साथ है, ठीक है, और बल्कि ये चारों ही एक साथ है, क्योंकि ये इसका भांजा है, तो अब इस वक्त इसकी सिस्टर कोई रही होगी और सिस्टर का ये लड़का रहा होगा, तो इसने पूछा ए का सी से क्या रिलेशन है, तो अब कह सकता हाँ फुफेरा भाई है, ठीक है ना, आंसर तो इसका अभी भी क्या जाएगा? बी ही जाएगा, लेकिन ये डायग्राम अब सही बना है।
आगे बढ़ जाएं। अब आ जाओ, देखो ये था मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला टाइप का। अब देखो नेक्स्ट, देखो आप लोग और इसको ट्राई करो। स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है सेकंड टाइप है। हालांकि करंट में ना अभी जो हमने किया ना वही पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, ये भी आ सकता है। अच्छा ठीक है, आओ देखो सुनो, दो तीन बातें आप लोग ध्यान रखना है इस चैप्टर में, प्रिकॉशंस हैं, है ना। ये शायद बात मैंने पहले भी कभी बोली होगी, आपके सामने सवाल होता है, आता है तो आपको अटेम्प्ट करना होता है सीरियस होकर के, है ना, कॉमेडी थोड़ी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और आपके दिमाग में एक चीज और, अगर आपके दिमाग में ये पहले से सेट है कि ये ब्लड रिलेशन का सवाल मुझसे नहीं होता है, तो मैं क्या ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दो तीन बातों का आप प्रिकॉशन रखो। और सवाल पे हमेशा हंसता है फर्जी विद्यार्थी। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं अवनी की जगह पे जलेबी भाई नाम रख देता, तो एक फर्जी विद्यार्थी वो होता जो उस पर खुश हो जाता, उसको ना डाटा से लेना देना ना सवाल से कोई लेना देना, वो नाम से ही खुश है, अपना जीवन में उसका हो गया ना, उसको सिलेक्शन से लेना देना है, मैंने ऐसा देखा है, है ना। और जो सीरियस होगा वो डाटा पर फोकस करेगा, अपना सवाल पे फोकस करेगा, ठीक है। आपको किस कैटेगरी में रखना है वो आप लोग देख लो अपना। भारती छवि की सिस्टर है, ठीक है, भारती जो है वो छवि की क्या है, सिस्टर है। आगे अवनी भारती की माँ है, अवनी जो है वो भारती की क्या है, मदर है, मदर है, तो ऑब्वियस बात है इसकी भी मदर है। आगे क्या कह रहा है, ध्रुव छवि जो है ध्रुव की पत्नी है, छवि जो है वो किसकी पत्नी है, ध्रुव की पत्नी है। ध्रुव ईशा का पिता है, ध्रुव जो है वो ईशा का पिता है, ठीक है ना। ईशा की नानी कौन है, ईशा की नानी कौन है, क्योंकि इसकी मदर की मदर है ये बाजू वाले घर में एक तरह से कह लो आप लोग, है ना, क्योंकि मैरिड है ये, ठीक है। तो इसने पूछा हमसे ईशा की नानी कौन है, तो ईशा की नानी कौन है, अवनी है, ठीक है। सी एच एस एल 2023 का क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग एक और ऐसी। जैसा जैसा बोलेगा वैसे वैसे आप लोग ड्रॉ करते जाओ, कीजिए ट्राई कीजिए। आंसर आ रहा इसका डी। करे इसको, छोटा सा सवाल है, सुमन राजेश की पत्नी है, राजेश की पत्नी कौन है, सुमन है, सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी। ओहो ये देख लो भाई, दोबारा देख लो, सुमन जो है वो राजेश की पत्नी, राजेश की कोई पत्नी होगी, उसके बेटे की
पत्नी है, कौन है? सुमन है, ठीक है ना। आगे की बात, तो सुमन का राजेश से क्या रिलेशन है, वो उसका कौन है? देखो सुमन उसकी क्या लगेगी, राजेश की बहू लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग। मैंने जैसे बोल दिया तुम लोग हंस भी नहीं रहे हो। सवाल पे ध्यान दिया करो आप लोग, एक तो बातें बहुत करते हो, ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है बड़ी क्लासेस के। करे भाई आ जाओ। देखो सुनो, भानु जो वो चिराग की सिस्टर है ना भाई, चिराग की सिस्टर है भानु। नेक्स्ट कह रहा है आर्यन भानु का पिता है, आर्यन जो है वो भानु का पिता है, तो ऑब्वियसली बात है वो इसका भी क्या है, पिता ही है। आगे चिराग दीवान का भाई है, चिराग जो है किसका भाई है, वो दीवान का भाई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीवान ईशा का पति है, दीवान जो है किसका पति है, ईशा का पति है। दीवान ईशा का पति है, यहां पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, ईशा आर्यन से किस प्रकार से संबंधित है, ईशा जो है वो आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, वो सेम ही है ना, एग्जाम सेम है, सेम ही शिफ्ट होगा शायद, इसलिए ऐसा हो गया। ये 17-3 का क्वेश्चन था और पीछे वाला 20-3 का क्वेश्चन था ना, तो सेम ही क्वेश्चन सेम ही लेवल का पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट पे आ जाओ, अच्छा सुन लिया भाई साहब, सी गणेश अपनी माता के भाई, ध्यान से सुनना आप लोग, गणेश जो है वो अपनी माता के भाई यानी मामा है ना, माँ के भाई, भाई बातें नहीं करो, भाई के पिता, भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा है, तो अपनी मेरी सिस्टर है ना, है ना, उन्होंने एक साथ ही लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो आप लोग अगला सवाल। बाकी लोग कह रहा है विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं,
गौरव, विनीता और अमिता तीनों क्या है? सिस्टर है। गौरव भाई है, बाकी दोनों बहन है। आगे क्या कह रहा है? आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है वो विनीता का पिता है, तो ऑब्वियसली बात है तीनों का ही क्या है, वो पिता ही, अंडरस्टूड है। अंश अमिता का पुत्र है। अंश जो है वो अमिता का पुत्र है। अंश, ठीक है, सुन लिया यार। आशीष का अंश से क्या रिलेशन है? क्या लगेगा इसका? वो नाना लगेगा। मेरे को तो डी भी सुनाई दिया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, कमजोर रिश्ते। अगला सवाल देखो, सवाल गलत हो जाने से ये मत सोच लेना अपने दिमाग में कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ऐसा गलती से भी मत बोल देना। जैसे मैं कभी भी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ ये चैप्टर आसान है, वैसे ही से आसान हो या ना हो। एक तो देखो, जब आप सवाल करो ना तो आप पेन उठा के डायग्राम बनाना शुरू कर दो, आंखों आंखों में सवाल सॉल्व। इतना इंटेलिजेंट आप नहीं हो ये मान के चलो आप, और नहीं हो मानना क्या है। तो गलत हो जाए इससे बेटर है कि पेन उठा लें। यस, करे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि स्वाति के पिता, स्वाति के जो पिता हैं वो उस दिव्या के नाना है। अब देखो, दिव्या के नाना है, इसका तो ये हो गया कि इनकी बेटी रही होगी, या तो ये रही होगी या कोई और रही होगी, है ना। फिलहाल कोई और जानकारी जो कि मान्या की पुत्री है। देखो दिव्या के नाना है, तो दिव्या के नाना यानी कि दिव्या को यहां बना लेते हैं, दो जनरेशन का गैप आ गया ना। और जो कि कौन है ये दिव्या? मान्या की पुत्री है, मान्या की पुत्री होगी, ठीक है। तो मान्या के पति के पिता का रिलेशन, देखो मान्या के पति के पिता का रिलेशन दिव्या से क्या है? क्या लगेंगे? दादा लगेंगे, है ना। ये रिलेशन पूछा हुआ उन्होंने। चलो एक और ये करो, फिलहाल जीडी का सवाल है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी करें। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र, भाई बातें नहीं करो। संतोष का इकलौता पुत्र कौन है? धीरज है। नेक्स्ट कह रहा है क्या? और संतोष जो है ये मेरी मदर की इकलौती पुत्री है। कंफ्यूजन, ठीक है। ये जो संतोष है ये कौन है? मेरी मदर की इकलौती, मेरी मदर की इकलौती पुत्री। ऑब्वियसली बात है मैं इसके पैरेलल हूं, ठीक है ना। ये मैं हूं और ये मेरी मदर है। आगे क्या कह रहा है? यानी भाई बहन का रिलेशन है, तो मेरी माँ का धीरज के साथ क्या रिलेशन है? तो वो उसकी क्या लगेगी? पुत्री का, देखो इसकी मदर की मदर है वो, है ना, नानी वाला रिलेशन हो गया ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे आ जाओ, देखो सुनो, दो ये सवाल देखो, ये एक न्यू टाइप है, फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट आउट करके पूछना। ऐसे सवालों में आपको खुद को रखना होता, हल्का सा भी डिस्ट्रेक्शन होगा सवाल पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, खुद को रख के देख लो आप लोग, या खुद को रख के सॉल्व करो। क्या कह रहे हो? इसमें कोई फिक्स वो नहीं है,
आओ करें ध्यान से सुनना, ये जो कह रहा है ना वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो अगर ये कह रहा है किसी, देखो सुनो क्या कह रहा है, एक महिला की तस्वीर को देखो, मान के खुद को रखो आप लोग, कि एक महिला की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सैमुअल, सैमुअल आप खुद को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सैमुअल ने क्या किया कि वह जो महिला है वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है। देखो भाई बातें नहीं प्लीज, सैमुअल कौन है, मेरे पिता, ठीक है ना, मेरे पिता के भाई, ठीक है ना, भाई की पुत्री, भाई की पुत्री की माता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, इसके पिता हो गए, पिता का भाई यानी कि चाचा हो गया, तो अब से बात है ये कौन हो गया, चाची हो गया, तो अब क्या कहना चाह रहे, कह रहे कि महिला से सैमुअल का क्या रिलेशन है, तो देखो पति के भाई का पुत्र है ना, चाची इन्होंने नहीं दिया लेकिन पति के भाई का पुत्र दे दिया है, तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और ट्राई करो आप लोग, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको जब भी बोलेगा आपको खुद को ही रख के सोचना पड़ेगा और पूरा फोकस रहना पड़ेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में रहोगे नहीं आएगा आंसर। ठीक है बाकी लोग बताओ, देवरानी समझते हो, व्हाट इज देवरानी, समझो काम आएगा आगे। हाँ एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वेरुनुका ने कहा, खुद को मान लो आप लोग, ठीक है ना, क्या कहा उसने कि वह जो लड़की है, अब देखो वेरुनुका को ड्रॉ कर लो आप लोग, है ना, कह रहा वह मेरे पति के भाई की बेटी, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, वह मेरे पति, ठीक है ना, पति के भाई, पति के भाई की बेटी की क्या है, मदर है, है ना, तो ऑब्वियसली बात है देवरानी जेठानी का रिलेशन होगा, जो बड़ा होगा तो जेठानी, जो छोटी होगी तो देवरानी का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। खुद को रख के ड्रॉ करना शुरू कर दो, सेम वो फैमिली ट्री की तरह, है ना, जनरेशन ऊपर जाए तो ऊपर बनाओ, नीचे जाए तो नीचे बना दो, ठीक है, और ट्राई करो आप लोग। एक पुरुष की तस्वीर को और इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा, मुस्कान क्या कह रही है भाई, ये मान के चलो मुस्कान है, वो कह रही है कि मुस्कान नाम की एक महिला ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे पिता, वह जो है वो मेरे पिता के दादा, मेरे पिता के दादा, मेरे पिता के दादा का एक लौता पोता है, यानी कौन है ये, एक्चुअली इसका पिता ही है और कोई नहीं है, इकलौता बोला तो कोई और होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है वहीं घूम फिर के आ जाएगा वो, ठीक है ना, जब भी इकलौता बोले ना, ओनली ओनली ग्रैंड सन या ओनली सन जो भी बोलता वो, ठीक है, तो फिर आपको वापस से वहीं रिटर्न होकर के आना है। इसको ट्राई करो देखो,
कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ड्रॉ करो। देखो लड़का क्या कह रहा है, लड़का कह रहा है कि वह मेरी बहन की माता, देखो मेरी बहन की माता, ठीक है ना, माता के पति, माता के पति का भाई है, ठीक है ना। तो लड़के और उसमें क्या रिलेशन बताना है आपको, ठीक है ना, भतीजा हो जाए, चाचा भतीजा होता है, भांजा तो बुआ के साथ होता है ना, या मामा के साथ होता है ना भाई, ठीक है। लड़का क्या कहता है कि वो जो आदमी है, हमें नहीं पता कहाँ पे है वो मेरी सिस्टर के मदर के हस्बैंड का भाई है। मैंने कहा आप पढ़ो मत, आप सीधे सीधे ड्रॉ करना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट है पढ़ना, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते ही इसको ड्रॉ करो, अपने आप ही रिजल्ट आ जाएगा, अगला ट्राई करो। अरे भाई, राम ने एक महिला को और इशारा करते हुए कहा, कौन कह रहा है, राम कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि उसकी पुत्री, देखो महिला जो है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो है, उसकी पुत्री राम से रिलेशन देख लो आप लोग, मेरे दामाद की पत्नी है, राम का कोई दामाद होगा, राम का दामाद कौन होगा भाई, जो उसकी बेटी का क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो क्या कह रहा, उसकी जो पुत्री है वो मेरे दामाद की क्या है, पत्नी है, मेरे दामाद की पत्नी है, ठीक है, किसकी, उस औरत की पुत्री है ना भाई। तो अगर वो उसकी पत्नी है, उसकी जो पुत्री है, तो ये भी तो उसकी पुत्री ही हुई, क्योंकि इसका दामाद है, यानी बेसिकली ये क्यों कौन है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है एक तरह से। तो ये राम क्या लगेगा, उसका पति लगेगा। फिर से देख लो एक बार क्या कहना चाह रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं, क्या सुना, राम कह रहा है तो राम को ले लो आप लोग। और राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है क्या कि उस महिला की पुत्री, उस महिला की पुत्री मेरे दामाद की, देखो सुनो, राम का दामाद है ना भाई, राम की बेटी और उसका हस्बैंड है ना, तो मेरे जो राम का दामाद होगा वो बेसिकली ये राम की कौन है, और वो जो उसकी पत्नी है, मेरे दामाद की पत्नी है कौन, वो जो उसकी बेटी है ना, वो भी वही सेम ही पर्सन के बारे में बता रहा है। ये दोनों लोग इनडायरेक्टली एक ही तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की एक ही पुत्री है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो राम का उससे क्या रिलेशन है, पति का रिलेशन है, ठीक है। देखो इसमें ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। एक और कर लो, लास्ट क्वेश्चन का ऑफ करते हैं। सुनील क्या कह रहा है भाई, सुनील कह रहा है कि वो जो आदमी है वह मेरे भाई की पत्नी, पत्नी के ससुर है ना भाई, पत्नी के ससुर, यानी ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के कौन होंगे, वो पिता होंगे, ठीक है ना, पिता होंगे, पत्नी के ससुर हर्ष का पुत्र है, पत्नी के ससुर कौन है, हर्ष है ना भाई, और हर्ष का कौन है, वो पुत्र है, यानी तीनों क्या हो जाएंगे, भाई का रिलेशन हो जाएगा इन तीनों के बीच में, है ना भाई। तो कह रहा तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का सुनील से क्या रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन है उनका, ठीक है ना, वो भाई का रिलेशन है। देखो प्रैक्टिस आप लोग करना, ठीक है, बुक आपको मैं भेज दूंगा, ओके, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं।